नमस्कार। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के का लेकर थोड़ा सा अपडेट आया था। जो आईटीयू आप जानते हैं काउंसलिंग कराता है अंबेडकर एसीएमएस और एनडीएमसी कॉलेज की दिल्ली कोटा की सीट्स के लिए। और पहला तो अपडेट ये कि राउंड टू का भी कोई अपडेट नहीं आया है, कब स्टार्ट होगा, कब चॉइस फिलिंग होगी। लेकिन जो इन्होंने वैसे अपडेट दिया है कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देखिए अंबेडकर की 106 में से 96 सीटें खाली हैं और एनडीएमसी कॉलेज की 51 में से 44 सीटें खाली हैं। अब इससे आप एक बात और समझ लीजिए, सबको पता है कि जो इंडिया में दिल्ली में जो प्रायोरिटी है वो अंबेडकर के बाद एनडीएमसी है। तो ये भी जो सीटें भरी है ना, देखिए आईपी में क्या दिक्कत है कि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता है। तो जब आपको सीट अलोकेट हो जाती है, आप टॉपर बच्चे हो, आपने भर दिया। देखिए दिल्ली में अक्सर उन्हीं को सीट मिली राउंड वन में, पहले कई बार बात कर चुके हैं, जिनको नॉर्मल दिल्ली कोटा से मौलाना आजाद, यूसीएमएस, वर्धमान महावीर, अटल बिहारी वाजपेयी मिला होगा, सब बच्चे कॉमन थे। बट कुछ बच्चे थे जो क्या करते हैं कि वहां भी सीट मिली और जस्ट फॉर सेफ्टी या जस्ट फॉर एनीथिंग उन्होंने जाके अंबेडकर और एनडीएमसी में भी रिपोर्ट करा। और रिपोर्ट करने के लिए आपको 40,000 रुपीज पे करने होते हैं और आपके पास ऑप्शन रहती है एक्चुअली काफी देर तक कि आप विड्रॉ कर सकते हो ये सेम 40,000 रुपीज। अभी तक लास्ट डेट ऑफ एग्जिट तो आई नहीं है और साथ में आपको अपग्रेड के ऑप्शन भी है। हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आईपी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते राउंड टू में, समझिए आप। तो आपको राउंड वन में तो बहुत अजीब सा इनका रूल है क्योंकि आईपी का सॉफ्टवेयर सेम है। आईपी के साथ दिक्कत ये है कि आईपी यूनिवर्सिटी 25 कोर्स पढ़ाती है, इन्होंने एक ही काउंसलिंग सॉफ्टवेयर बना रखे, एक ही रूल बना रखे हैं, विच इज नॉट राइट। तो जो आईपी की फेमस बीटेक कॉलेजेस हैं, बीबीए कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में तो ये रूल चलता है कि राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर, स्पॉट राउंड्स। और वो ये कहते हैं कि अगर आपको सीट अलोकेट होती है तो आपको कम से कम 40,000 रुपये देने पड़ेंगे और आप लगातार अपग्रेड कर सकते हो राउंड टू तक, राउंड थ्री तक, राउंड फोर तक। तो समस्या ये है कि आईपी का सॉफ्टवेयर है सेम और इसी में उन्होंने एमबीबीएस को भी घुसा दिया है। क्योंकि सॉफ्टवेयर सेम है, लॉजिक सेम है, तो जबकि एमबीबीएस के लिए इंडिया में काफी जगह पे राउंड वन फ्री एग्जिट है, आपको सीट मिली, आपने रिपोर्ट नहीं करा, कोई बात नहीं। बट आईपी में अगर आपको सीट मिली थी इन तीनों में से किसी भी कॉलेज में और आपने रिपोर्ट नहीं करा, आपने वो पहले 40,000 रुपीज नहीं पे करे, तो आप बेसिकली राउंड टू से डिबार हो गए। ये बात अलग है, ये इनका रूल है एज ऑफ नाउ। इस समय कोशिश की जा रही है कि इस रूल को चेंज करें, खासकर एमबीबीएस के बच्चों के लिए, क्योंकि तो जैसा मैंने कहा कि एमबीबीएस में स्टैंडर्ड रूल चलता है। बट एज ऑफ नाउ 25 फरवरी को रूल ये है कि आप राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिनको एलोकेट हुई थी और जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करा। इस रूल को जो भी जानते हैं, जिन्होंने आईपी का वो 200 पेज का फॉर्म भरा था, हमारा चैनल लगातार जो देखते हैं सुनते हैं, उन ये मैं कहना चाहूँ कि वही बच्चे हैं, जो 10 बच्चे हैं और ये जो 6 बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने रिपोर्ट कर लिया। आई एम नॉट इवन श्योर कि इन बच्चों ने यहाँ पर फ्रीज करा होगा, क्योंकि एनडीएमसी में तो देखो कोई फ्रीज करेगा ही नहीं। और राउंड वन में मैंने भाई कहा ना कि जितने भी बच्चों को अम्बेडकर एलोकेट हुआ होगा, हाँ थोड़ा सा जो मार्जिन था, बट जिसको भी अम्बेडकर रोड में लोकेट हुआ होगा वो कोशिश करेगा अपग्रेड करने की, वर्धमान महावीर या एसीएमएस, क्योंकि सॉरी नॉट एसीएमएस, अटल बिहारी वगैरह। मैं कई बार बात कर चुका, दिल्ली में 7 कॉलेज हैं, बाई चांस बीएससी और एनडीएमसी दोनों नीचे ही आते हैं प्रायोरिटी में, नंबर 6 से नंबर 7। एसीएमएस का दिल्ली में कोई खास कोटा है ही नहीं, वो चूंकि आईपी के अंदर है तो आईपी काउंसलिंग कर रही है। मोस्ट ऑफ द किड्स आर आर्मी किड्स, 85% से सीट्स आर्मी के बच्चों के लिए, जो आपको यहाँ दिख भी जाएगा कि जितना भी कोटा है, ये एआई कोटा जो है, ये एनओएएफ का मतलब होता है कि भाई ऑल इंडिया आर्मी। तो जितने भी देखिए बच्चों ने रिपोर्ट किया होगा एसीएमएस में, आपको मोस्टली नजर आएगा कि सब के सब ये आर्मी वाले ही थे, राइट? यू कैन सी दैट। और फिर ऑफ कोर्स दो तीन सी जो हमने बोला, दो तीन चीजें यहाँ पर एससी एसटी के बच्चों के लिए भी होती हैं, क्योंकि वो सरकार को रखनी पड़ती हैं। तो ये कुछ एससी के बच्चों ने यहाँ पर रिपोर्ट फिलहाल करा है, उनकी भी जो रैंक मैं देख रहा हूँ, मतलब अच्छी रैंक है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये लोग भी आर्मी कॉलेज मेडिकल साइंस में टिकेंगे। ऑल इंडिया रैंक 46,000 इज प्रेटी गुड फॉर एससी कैंडिडेट। और इसके अलावा देखिए अम्बेडकर के जो बच्चे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भाई जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन्होंने रिपोर्ट कर लिया है, एक आध ईडब्ल्यूएस वाले ने रिपोर्ट कर लिया है, किसी भी जनरल कैटेगरी ने रिपोर्ट नहीं करा, देखिए एक भी बच्चे ने। तो यही एक हर साल का नियम है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे होंगे सबको एक दूसरा कॉलेज मिल ही गया था। और इवन कैटेगरी आई एम श्योर
सबको को दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बस इन्होंने रिपोर्ट कर लिया है और सेफ्टी के लिए। तो ये है आईटी का अपडेट, अभी तक राउंड टू का कुछ नहीं आया है। कई लोग मुझसे फोन कर रहे थे कि सर ये जो आया है ये क्या है क्या है क्या है, तो कुछ भी नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, और वेट करते हैं। और मैं पावर कहता हूँ दिल्ली वालों को बहुत संभल के चलना है, क्योंकि उनके पास ही उनका जो बाकी मेन 5 कॉलेज हैं उनकी काउंसलिंग एमसीएससी करा रहा है। सो दिल्ली वालों को खास कर एक स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ती है, जो हमारे प्रीमियम काउंसलिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ हम मिलके काम करके उनको लेके आगे चल ही रहे हैं। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, कब सीट छोड़नी है कब नहीं छोड़नी है, तो वो सब आप हमारा प्रीमियम पैकेज के जो कस्टमर्स हैं उनको हम गाइड करते ही रहते हैं। धन्यवाद, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। नमस्कार।